आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि WhatsApp के नोटिफिकेशन को कैसे चालू करते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका भी WhatsApp पे कोई मैसेज कर रहा है और इसका आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, यानी कि मैसेज का आवाज नहीं बज रहा है, तो सोचते हैं कि वह मेरा नोटिफिकेशन ऑफ हो गया होगा। तो उसको चालू करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले कन्वर्सेशन टोन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि यह नोटिफिकेशन आपका ऑफ है या ऑन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा नोटिफिकेशन ऑफ है, तो इसको क्लिक करके यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको व्हाट्सएप को कट कर देना है और फिर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि यहाँ से आपका और नोटिफिकेशन ऑफ है या ऑन। तो चलिए यहाँ पर हम चेक करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको व्हाट्सएप को खोज लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ है, तो सिंपल इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। यहाँ से जैसे ही ऑन कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो भी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज का टोन नहीं बज रहा था, मैसेज आ रहा था तो पता नहीं चल रहा था, यहाँ सब चलने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।